बिहार आने से पहले बागेश्वर सरकार ने कह दी बड़ी बात। भोजपुरी में वीडियो जारी कर लोगों को किया संबोधित। 13 से 17 मई तक पटना के गांधी मैदान में होगा कार्यक्रम। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पटना आ रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर मीडिया में खबर आई थी और अब इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें खुद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों को बताया है कि वह 13 मई को बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं। वीडियो में बिहार आने से पहले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी बात कही जो आपके दिल को भी छू लेगी। उन्होंने अपने वीडियो में जनता को संदेश देते हुए भोजपुरी में कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने भोजपुरी भाषा में कहा, का बात बाहो रउआ सब ठीक बानी, जुग जुग जिया, अमर हो जाई गोर लागी। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बड़ा आनंद आएगा, हम बिहार आ रहे हैं। बागेश्वर धाम के सरकार का कार्यक्रम 13 मई से शुरू हो रहा है, वह पटना आ रहे हैं। 17 मई तक पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम होगा। धीरेंद्र शास्त्री एक सोशल मीडिया पर इन दिनों छाए हुए हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने काफी कम उम्र में अपनी पहचान बना ली है, लाखों लोग उनके भक्त हैं। हाल ही में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहकर वह खूब सुर्खियों में आए थे। एक इंटरव्यू में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, उसी प्रकार भारत में मुसलमान भी रह सकते हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। यह भी कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग नहीं करेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तो हम भारतीयों को ही करनी होगी।